इस देश की जो जड़ें हैं, इस देश की जो मजबूती है वो किसान और कामगारों के ऊपर है। इस देश के विकास में किसान और कामगार का खून बहता है, ये किसी नेताओं का नहीं है। 24-24 घंटे काम करते हैं, मोदी जी को देख लीजिए, ये लोग काम कर रहे हैं, MPML काम कर रहे हैं। रस्ते की बिजली बंद हो जाए MPML जाता है, बाढ़ आती है MPML जाता है। अगर ये पैसा ले रहे हैं कैसी सर्विस कर रहे हैं, कैसी सेवा कर रहे हैं? अगर उनको लगता है कि मैं 24-24 घंटे काम करें, नहीं करेंगे, दूसरा कोई करेगा, दूसरा करेगा ना। आज ये मोदी जी के पास भीख मांगने आया है, ये आवाज सुनना ही पड़ेगा। ये आवाज खून फसोने वाला का आवाज है, ये आवाज उन मजदूरों का आवाज है जो रस्ते पे काम कर रहे हैं, ये आवाज उन किसानों का आवाज है जो किसानों के ऊपर ये नेते लोग बड़े हुए। इसलिए आवाज चुनेंगे, इस सरकार को इस मैदान से चेतावनी देते हैं, अगर हमें पुरानी पेंशन नहीं मिलती है तो हम आपकी गद्दी खाली किए बिना नहीं रहेंगे। मोदी जी आएंगे, हम आने देंगे तो आएंगे ना। जो ओल्ड पेंशन पे बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सरकार गरीबों की मदद करती तो ऐसे इतनी बड़ी भीड़ में लोग नहीं आते। मोदी सरकार ने सोचनी चाहिए। मोदी सरकार ओनली और अडानी और अंबानी की बात करेंगे, खून पसीने की मेहनत का पैसा अगर शेयर मार्केट में गवर्नमेंट लगा देती है तो हमारा पैसा ऐसे क्यों खिलौने के ऊपर लगाया जाता है? तो उन MPML को ओल्ड पेंशन क्यों? आप बोल रहे हैं कि अच्छी है तो उन्हें क्यों बुरी पेंशन दे रहे? मैं तो कह रहा हूँ कि उन्हें भी अच्छी पेंशन दे दो, उन्हें भी नई पेंशन मिला, उन्हें पुरानी पेंशन दे रहे हैं और हमें नई पेंशन दे रहे हैं। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। नमस्कार, मैं नूरजा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के रामलीला मैदान में। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में लोग आए हैं जो रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए थे। इससे पिछली बार भी ओल्ड स्कीम पेंशन को लेके ये लोग आए थे, दूसरी बार ये लोग आ रहे हैं। देखते हैं सरकार इनका कितना सुनेगी और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं सर क्या कहेंगे। इससे पहले भी लोग आए थे, तब तो सरकार ने कुछ नहीं कहा। दोबारा आप लोग एकत्रित हुए हैं, लग रहा है आपको सरकार सुनेगी आपकी? हाँ जी हाँ, मैं महाराष्ट्र सर्कल से आया हूँ। यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र और ऑल इंडिया से जो भी महाराष्ट्र सर्कल के जो भी ट्रेड यूनियंस है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ट्रेड यूनियंस है, पूरे कर्मचारी यहाँ पे एकजुट हुए क्योंकि पुरानी पेंशन मांग रहे। पिछली बार हम लोग आए थे यही मांग लेके आए थे और इस बार भी यही मांग लेके आए क्योंकि पुरानी पेंशन हम मांगते हैं, क्योंकि ये जो है पुरानी पेंशन इतनी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पुरानी पेंशन में बता दो आपको, GPA पे उसमें ग्रेजुएटी रहती है, DA रहता है, जो सरकारी कर्मचारी के लिए उसके आफ्टर रिटायरमेंट आफ्टर 60 ईयर उसको एसेंशियल हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसकी जो लाइफ की उपजीविका उसको जिंदा रहने के लिए वो पुरानी पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए और हम लोग यही कहेंगे, पिछली बार भी आए थे तो हम लोग एक बार ये नारा लेके जाएंगे कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और हम जो कर्मचारी वर्ग है, इस सरकार को इस मैदान से चेतावनी देते हैं, आह्वान करते हैं, अगर हमें पुरानी पेंशन देते हैं तभी हम पूरे कर्मचारी वर्ग आपके साथ है, वरना इस चेतावनी रैली से, इस चेतावनी ग्राउंड से हम लोग चेतावनी देते हैं, अगर हमें पुरानी पेंशन नहीं मिलती है तो हम आपकी गद्दी खाली किए बिना नहीं रहेंगे। तो न्यू पेंशन स्कीम से आप लोगों को क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। न्यू पेंशन स्कीम जो है वो पूरी शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड है। समझो जैसे कि अगर शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो शेयर हमें नहीं मिलती है फिर भी, और शेयर मार्केट अगर डाउन जाता है तो 500, 1000, 1500 ऐसी पेंशन मिल जाती है। अगर शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो आप लोगों को फ़ायदा ही तो होगा? नहीं होता है, फ़ायदा ही नहीं होता है। जैसे कि देखो ना, आपका LIC का देखो क्या हो गया, अडानी अंबानी जैसे लोगों ने 20-20 हज़ार करोड़ रुपए का लोन लेके भाग गए, और ऐसे टाइम में अगर अडानी अंबानी भाग गए, भाग मतलब कर्ज क्या पे दिया है उनके ऊपर, ये हुआ LIC का पूरा वाट लगा दिया उन लोगों ने। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा पैसा, हमारा पैसा जो कर्मचारी लोगों का पैसा है उसका पैसा और खून पसीने की मेहनत का पैसा अगर शेयर मार्केट में गवर्नमेंट लगा देती है तो हमारा पैसा ऐसे क्यों खिलौने के ऊपर लगाया जाता है? हमें पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, हमारा पैसा शेयर मार्केट में मत लगाओ, हमारा पैसा हम यही मांग रहे हैं कि हमारे जो पेंशन थी उसी में रहने दो और हमें GPA ग्रेजुएटी DA वैसे हमें जैसे पुरानी पेंशन में मिल जाता है वो रहने दो, कंटिन्यू चालू रहने दो। क्योंकि देखो हमारे यहाँ MPs है, MLAs है, अगर आप एक बार MLA बन जाते हैं पेंशन मिल जाती है, एक बार MP मिल जाते हो उसके अलग पेंशन मिल जाती है, वापस अलग MP मिल जाते हो, मिनिस्टर मिल जाते हो, मतलब अगर एक MP MLA बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, उसको 3-3, 4-4 टाइप की पेंशन मिल जाती है। और हमारा कर्मचारी उसका 40 या 35 जो साल है
उसमें सरकारी कर्मचारी सेवा में उसका जीवन पूरा ये देता है, धोख देता है, फिर भी उसको पेंशन नहीं मिल जाती है। तो लेकिन आप ही लोगों को जो सरकारी कर्मचारी लोग हैं उन लोगों को कहा जाता है कि वो लोग मुफ्त का पैसा लेते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। नहीं, मुफ्त का पैसा कोई भी सरकारी कर्मचारी लेता नहीं है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ इतना, मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ इतना ह्यूज शॉर्टेज है, उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं पोस्टमैन काडर से आता हूँ, मैं 10-10, 12-12 घंटा काम करता हूँ। हमारे यहाँ बिजनेस है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही कि बिजनेस नहीं है। ये लोग हमारे भाई हैं, पीए काडर से आते हैं, इनको भी 10-10, 12-12 घंटा मार्केटिंग रहने दो। ये जो घूमते हैं उनको काउंटर पर काम करना पड़ता है, और डिपार्टमेंट बोलता है हमारे पास पैसा नहीं है। ये बात गलत है। गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट कहा उसको मिस कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। तो उन्होंने, तो आप लोग लालची नहीं हो रहे हैं पैसों के लिए, पेंशन के लिए? नहीं, लालची नहीं, हमारा हक है, हक है, सबको है। अभी इसने बोला एमएलए, एक बार एमएलए होता है 5 साल में पेंशन, फिर वो एमएलए होता है उसको भी पेंशन। मुझे एक एमएलए 4-4, 5-5 साल पेंशन लेते हैं, और हमारा कर्मचारी, वो लोग काम कर रहे हैं तो उसका पैसा नहीं लेंगे क्या? क्या काम कर रहे हैं, क्या हमारे यहाँ देखिए, हमारे, मैं महाराष्ट्र सरकार की बात कर दूँ, हमारे यहाँ 2 दिन पहले हमारे यहाँ मिनिस्टर थे अजीत दादा पवार करके, 70,000 करोड़ रुपीज़ का उनके ऊपर एलिगेशन हो गया। तो दूसरे दिन बीजेपी ने क्या किया, वहाँ का गवर्नमेंट तोड़ मरोड़ के बीजेपी में उनको ले लिया। तो हो गया उनका जो करप्शन, उनके ऊपर जो एलिगेशन हो गए तो पूरे निकल गए। ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो चीज़ें इसेंशियल नहीं है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड कॉमन पब्लिक को नहीं है, ऐसी चीज़ें लाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर कॉमन जो मैन है, ऑर्डिनरी मैन है, उसको क्या चाहिए इस दुनिया, इस इंडिया में, उसकी मोदी सरकार ने सोचनी चाहिए। मोदी सरकार ओनली, और अडानी और अंबानी की बात करेंगे, और हमारे जैसे गौर गरीब कर्मचारी है, कामगार है, दीन दलित है, वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, उनके बारे में सरकार नहीं सोचेगी तो मोदी सरकार को इस टाइम उसकी सरकार जो है, जो वो गरीबों की ही मदद कर रही है, उन्हीं के लिए काम कर रही है। नहीं, सरकार गरीबों की मदद करती तो ऐसे इतनी बड़ी भीड़ में लोग नहीं आते। और आप अगर हर स्टेट में जाओ, इतनी महंगाई हुई है, गैस सिलेंडर्स के भाव बढ़ गए हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, डीजल के भाव बढ़ गए, कौन सी सस्ताई होगी हमें ये बताए गवर्नमेंट? कोई भी चीज़ सस्ताई नहीं हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई है। आफ्टर 2024 ईच एंड एवरीथिंग इज, उन्होंने जो भी पैसा था रोजगार में लगा दिया, राम मंदिर बनाने में लगा दिया, अब कहाँ से देंगे आप लोगों को? राम मंदिर से रोटी कहाँ से मिलेगी, राम मंदिर से काम कब कहाँ मिलेगा? आप जो बोले ना कि ओल्ड की पेंशन स्कीम और नई पेंशन की स्कीम अच्छी है, तो क्या ये पेंशन स्कीम पुराने MP MLA को, ये पुराने MP MLA को लगाएंगे? अगर नई पेंशन स्कीम अच्छी है तो ये पेंशन स्कीम ये MP MLA लेंगे क्या? अगर कर्मचारियों को ये ओल्ड नई पेंशन है तो उन MP MLA को ओल्ड पेंशन क्यों? आप बोल रहे हैं कि अच्छी है तो उन्हें क्यों पूरी पेंशन दे रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि उन्हें भी अच्छी पेंशन दे दो, उन्हें भी नए पेंशन में ला लो। उन्हें पुरानी पेंशन दे रहे हैं और हमें नए पेंशन दे रहे हैं। दूसरी, आप बोले कि आप लालची हो रहे, लालची कैसे? सुबह 10 बजे से 6 बजे तक कर्मचारी काम करता, किसी भी आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, रेल ऑफिस में जाइए, BSNL के ऑफिस में जाइए, इनकम टैक्स के ऑफिस में, GSTP के ऑफिस में जाइए, आप बोले काम कौन कर रहा है? आप बोल रहे हैं कि ये लोग काम कर रहे हैं, MP MLA काम कर रहे हैं, रस्ते की बिजली बंद हो जाए MP MLA जाता है, बाढ़ आती है MP MLA जाता है, किसान की सेवा में अपना काम कर रहे हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अगर सेवा कर रहे हैं, ये सेवा नहीं है। जब आप पेमेंट लेते हैं, सैलरी लेती है, तो वो सेवा नहीं होती। आपको मालूम है महाराष्ट्र में सैलरी इसलिए लेते हैं कि 24-24 घंटे काम करते हैं। मोदी जी को देख लीजिए, 24-24 घंटे काम करके ही वो, मैडम जी एक देखिए, हमारे महाराष्ट्र से जो भी MLA आते हैं या MP आते हैं, ये किसी गरीब घर के लड़के हैं, ये किसान के लड़के हैं, 24 घंटे काम करने हैं। ये तो उन्होंने कहा है कि मैं MP बनूंगा, MLA बनूंगा, और MLA बनने के लिए उन्होंने करोड़ों पैसा खर्चा किया है। अभी देखा महाराष्ट्र में किसका सरकार है, आपको मालूम है? वहाँ शिवसेना है, वहाँ राष्ट्रवादी है, वहाँ BJP है। उन लोगों को खरीदी करने के लिए कितना पैसा लगा, कहाँ से आया पैसा, कहाँ गए थे गुवाहाटी वो? मैं कह रहा हूँ कि इस देश की जो जड़ें हैं, इस देश की जो मजबूती है, वो किसान और कामगारों के ऊपर है। इस देश के विकास में किसान और कामगार का खून बहता है, ये किसी नेताओं का नहीं है। अगर ये पैसा ले रहे हैं, कैसी सर्विस कर रहे हैं, कैसी सेवा कर रहे हैं? अगर उनको लगता है कि
में 24-24 घंटे काम करे, नहीं करेंगे, दूसरा कोई करेगा, दूसरा करेगा ना। एमपी एमएलए के तो लोग खड़े रहते हैं, सरकारी नौकरदार जब 40-50 साल काम करता है तो मालूम है क्या क्या करता है। सीसीएस कंडक्ट रूल होता है, उसको अगर उसका घर भी छोड़ना पड़ता है, उसका गांव छोड़ना पड़ता है ना, तो उसको हेडक्वार्टर की परवानगी लेनी पड़ती है। उसके घर को कोई मर जाता है ना, तो उसको उसको छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। ये कहाँ एप्लीकेशन देते हैं, कहाँ पे एप्लीकेशन दे? अभी आप बोलो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एप्लीकेशन देंगे वो? नहीं, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका मैं आदर करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। इस देश में 29 स्टेट है, इस देश में कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं, उन सब लोगों को पेंशन चालू है, उनके कामों का इवोल्यूशन कहाँ होता है? अभी मालूम है कितने लोगों का फंड वापस जाता है? 5 साल में 1 साल में उन्हें डेवलपमेंट के लिए जो फंड दिया जाता है ना, वो पूरा का पूरा फंड वापस जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ उनका पेंशन आप बंद करेंगे? उनका काम अलग है, वो फ्रीडम फाइटर काम करते हैं। अभी 15,000 उनको नेट के लिए दिए जाते, इस जमाने में 299 रुपए में आपको फ्री 2GB का मिल रहा है, और 15,000 रुपए उनको नेट के लिए दिए जा रहे हैं, देश का खर्चा नहीं। यहाँ पे आप घूमिए, कितने बड़े बड़े बंगले दिल्ली में दिए जाए खासदारों को, संसदों को, ये किसके लिए दिए जा रहे? हर एक स्टेट में आप असेंबली के आसपास जाइए, वहां पे देखिए एमपी एमएलए को कितने बड़े बड़े बंगले दिए, ये किसके ऊपर दिए जाते? ये हम लोग काम कर रहे हैं, ये जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, इसके ऊपर ये लोग मजा कर रहे हैं। मैं हमारा हमें कुछ नहीं है। आप लोग इतने वो अपने वो लेके आए हैं, तो आपको लग रहा है सरकार सुनेगी आप लोगों की? एक देखो, इस देश में 150 साल अंग्रेजों का सरकार था। अंग्रेजों के खिलाफ हमारे महात्मा गांधी खड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ हमारे तिलक खड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ हमारे भगत सिंह जी खड़े थे। तभी इन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि अंग्रेज हमारी आवाज सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन 150 साल के बाद अंग्रेज इस देश को छोड़ के भाग के चले गए। ऐसा ही होगा, ये आवाज सुनना ही पड़ेगा, ये आवाज खून फसोने वाला का आवाज है, ये आवाज उन मजदूरों का आवाज है जो रस्ते पे काम कर रहे हैं, ये आवाज उन किसानों का आवाज है जो किसानों के ऊपर ये नेता लोग बड़े हुए, इसलिए आवाज चुनेंगे। अगर नहीं हमारी आवाज सुनेंगे तो घर में बैठेंगे, इतनी ताकत हमारे कामगारों में है। घर में बैठेंगे आप कह रहे हैं, लेकिन वही मोदी जी कह रहे हैं कि 2024 में आप लिख के ले लीजिए, हम ही आएंगे। क्या है? आएंगे। मोदी जी आएंगे, हम आने देंगे तो आएंगे ना। आप ही लोग चुनते हैं सरकार। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना, जो वर्ल्ड पेंशन पे बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अभी इस रामलीला मैदान में ये पूरा वर्कर्स है, ये हमारा डाकिया भाई हम लोग लेके आए, ये आज ये मोदी जी के पास भीख मांगने आया है। अभी मोदी जी ने विकास किया है तो ये भीख मांगने क्यों आया है? हमारे को वर्ल्ड पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए, न्यू पेंशन एनपीएस बंद करो। तो ये लोग थे हमारे साथ, महाराष्ट्र से आए हुए हैं ये लोग हैं जो रामलीला मैदान में एकत्रित हुए हैं और ओल्ड पेंशन की बार बार गुहार लगा रहे हैं। इससे पहले भी ये लोग आए थे, तब तो मोदी सरकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोबारा ये लोग एकत्रित हुए हैं और वही कह रहे हैं मोदी जी को कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वापस करिए, हमारे को न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए। जैसे एमएलए और इन लोगों को ये लोग पुरानी स्कीम दे रहे हैं, 3-3 पेंशन दे देते हैं, तो उन लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम? तो उसी को लेकर ये लोग आए हैं। तो इस पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, देखते रहे जनेतवा।